Hi guys, welcome to C2C mentors. My name is Ketan. I have been getting this query that sir, mocks में attempt नहीं बढ़ रहे, right? Attempt ना होने की वजह से हमारा score नहीं बढ़ रहा है. Now what needs to be done here? So basically, I'm going to tell you a strategy today which can be used by people who are scoring 60-70 marks, or even by somebody who's scoring 100 marks, or let's say 125 or 130. And this can also be a DD strategy. Now this is basically a strategy which is built for the guys who are actually aiming for JB. But again, having said that, it's not only that the JB thing have to be done. But again, अगर आप इसको try भी करते हो, फिर भी आपको score में improvement दिखना possible है. Now, what is the strategy is all about? The strategy says 1 minute per question. अब problem क्या है आपकी कि basically maximum जो बच्चा लोग हैं, उनका जो attempt होता है वो होता है 70 to 80 के range में. इसका मतलब 150 minutes आपके हाथ में है. आपका attempt है वो 70 to 80. इसका मतलब ये है that you are spending on an average you are spending round about 2 minutes per question, which is the major problem. Because अगर आप दोस्त मैं average की बात कर रहा हूँ, कभी-कभी एक question पे हम 5 मिनट भी दे देते हैं और वो पता नहीं चलता. Because when you are writing your mock, you really don't want to keep an eye on the watch कि यार इस particular question के लिए मैंने कितना time दिया. So what you have to do is, again ये मेरे ख्याल से एक या दो mock से नहीं होगा. I wanted to write at least 3 to 4 mocks to get results, and trust me, results banega for sure. And this can help a lot for those people who are actually into 130 or 120, 130 के बीच में अगर आप हो तो. Now the funda is when you start your mock, right? Whichever section you start with, or you just start from like random number, like let's say 1, 2, 3, 4, 5, whatever. करना क्या है आपको? When you look at a question or when you look at a set, let's say it's a singles question, right? You need to understand कि यार ये question 1 मिनट में हो सकता है क्या? Right? मान लो कोडिंग डिकोडिंग का सेट है, उसके राउंड अबाउट 5 क्वेश्चन है. You need to understand यार क्या ये सेट मैं 5 से 6 मिनट में कर सकता हूं क्या? अगर आंसर yes है, then you pick it up. अगर आंसर no है, then you leave that set. What happens here is basically out of those 200 questions, जो भी क्वेश्चंस आपके 1 मिनट में बनने वाले हैं, वो पहली बात आपसे छूटते नहीं है, वो आप उसको पकड़ लेते हो, आप उसको सॉल्व कर लेते हो. अब यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है. The problem is ये पूरा डिपेंड करेगा couple of things. पहली आपकी प्रेपरेशन कितनी हुई है. जितने ज्यादा टॉपिक्स आपके बने हैं उतना तो आपका ज्यादा यहाँ पे स्कोर बढ़ेगा. बट अगेन मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि कितने ज्यादा टॉपिक्स किया. सिंपल सी बात है, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, इवन इफ यू डू द एंटायर पोर्शन 30 से 35 मार्क्स, 32 से 35, ओके 30 to 35 मार्क्स बाय डिफॉल्ट आपके होने ही वाले हैं. कुछ भी करो ये चलेगा आपका पूरा तुक्का. सो राउंड अबाउट आपको देखना है कि यार मेरा 160 165 का पोर्शन डन है क्या. अगर है तो डेफिनेटली मैं आराम से मॉक के लिए जा सकता हूं. नाउ 160 तक का अगर आपका पोर्शन है तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत अच्छी होगी. दूसरी बात, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्पीड कैसा है. स्पीड मैटर्स अ लॉट. अगर स्पीड है आपका देन यू कैन टेक अ क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व इट. लेट्स से ब्लड रिलेशन वर्सेस लेट्स से नंबर सीरीज. अगर नंबर सीरीज में आपका ज्यादा टाइम जाता है तो आपको पता है कि यार नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन मेरे को 10 से 12 मिनट देंगे. हां देखो ब्लड रिलेशन का एक सेट जो है वो छोटा सा सेट, वो 5 क्वेश्चन का, वो मैं 5 मिनट में आराम से कर सकता हूं. बट अगर आपने नंबर सीरीज पे थोड़ा सा काम करा, अगर आपने शॉर्टकट्स वर्कआउट करे, देन नंबर सीरीज भी 5 से 6 मिनट की ब्रैकेट में आ सकता है. देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. तो यहां पे मैटर करता है कि आपका स्पीड कितना है. ये भी दूसरी बात. तीसरी बात, आपने कितनी सारी प्रैक्टिस करी है. बिकॉज़ The most important thing is यार आप सेट को देखो, आपको पता चलेगा नहीं यार ये ज्यादा टाइम लेगा. बिकॉज होता कैसे, सेट देखने के बाद भी ऐसा लगता है कि शायद से हो जाए. हमारी गलती क्या होती है, हम टॉपिक पे ज्यादा भरोसा रखते हैं कि यार नहीं नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, लेट्स से विजुअल का सीरीज वाला फंडा, पेटल वाला फंडा, राइट. हम टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं. पहली बात, टॉपिक से दिल मत लगाना. कुछ भी करो टॉपिक से दिल मत लगाना. आपको ये देखना है कि भले टॉपिक मुझे आता हो, बट इस टॉपिक का ये क्वेश्चन 1 मिनट में हो सकता है क्या, 5 क्वेश्चन 5 मिनट में हो सकते हैं क्या. इफ द आंसर इज यस यू गो फॉर इट, अदरवाइज यू लीव इट. होगा क्या मॉक में या फिर आपके डे डे पे आपके उतने क्वेश्चन तो शॉर्ट बनने हैं सर जिसमें आपका 1 मिनट से कम होगा. अब इसमें क्या होता है, आपका अटेम्प्ट्स बढ़ेगा. बिकॉज बच्चा कभी कभी 110 120 क्वेश्चन के ऊपर जा नहीं पाता और एंड में बहुत सारे इजी क्वेश्चन छुपे होते हैं. तो इसमें क्या होगा, 1 मिनट पर क्वेश्चन स्ट्रैटेजी में जितने इजी क्वेश्चन है जो आपसे होने वाले हैं वो तो होके ही रहेंगे. अब अगेन डिपेंड करता है तुम्हारी प्रिपरेशन, तुमने कितना प्रिपेयर करा है, राइट. तो जितना ज्यादा आपने प्रिपेयर करा होगा शॉर्टकट वगैरह के ऊपर, उतना ये आपका ब्रैकेट बढ़ेगा. तो जितने भी क्वेश्चंस 1 मिनट के अंदर होने वाले हैं पहले हमने वो उठा लिए. अब जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस. इसमें होता क्या है, यू डोंट गेट स्टक एट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. यार सिंपल सी बात है, अगर मैं स्ट्रैटेजी अप्लाई करता हूं एटलीस्ट मैं उन क्वेश्चन से बच पाऊंगा जो क्वेश्चंस मुझे एक क्वेश्चन 2 से 3 मिनट लेगा, बिकॉज नॉर्मली वही होता है ऑन एन एवरेज 2 मिनट पर क्वेश्चन का अभी फिलहाल तो रन रेट है, राइट। अगर मैं एक नंबर सीरीज देखता हूं, अगर मैं एक पजल देखता हूं एंड जस्ट आई वांट टू आस्क माय सेल्फ अ क्वेश्चन, क्या ये पजल 5 मिनट में छूटेगा? नहीं, आंसर इज नो, छोड़ दो। दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रेटजी बाय टॉपर्स यूज्ड इन 2019 का CET एंड ट्रस्ट मी बिकॉज ऑफ दिस वन रीजन। जब उन्होंने खुद को पूछा कि यार ये पजल 5 क्वेश्चन इस पजल की, 4 क्वेश्चन इस पजल की, क्या ये 5 मिनट में छूटेगा? चल मैक्स टू मैक्स क्या ये 7 मिनट में छूटेगा? Answer was no. That is the reason they took puzzles in the end. Again, having said that, 48 questions आए थे last year puzzles के, 48 के 48 questions tough नहीं थे। उसमें से अगर मैं worst to worst scenario भी पकड़ूं, 15 questions ऐसे थे puzzles के जो 15 से 18 मिनट में हो सकते थे। And that's the strategy that actually helps you किया। Ask yourself क्या ये question 1 मिनट में होगा? अगर होगा तो you can take it, crack it. फायदा ये है कि पूरे इसी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, आपका अटेम्प्ट बढ़ेगा। बट एक चीज याद रखना, इसमें आपकी प्रैक्टिस जरूरी है। मैंने जितने भी वीडियोस पहले बनाए हैं अगर आपने वो फॉलो करे होंगे तो ये वीडियो आपके लिए ज्यादा सेंस बनाएगा, बिकॉज मैंने इसके पहले जो भी प्री रिक्विजिट है वो उन वीडियोज में मैंने ऑलरेडी बात करी है। नाउ रही बात आपके क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल समझने की, रही बात LOD समझने की मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी, रही बात शॉर्टकट्स की या फिर कंसेप्ट की, राइट। व्हाट यू कैन डू इज for the next couple of days, like whatever 35, 36 days are left. Number one, if you're not able to join the classroom sessions in Pune or Mumbai, C2C mentors came, you can start with books. What I've done in the books are very well segregated. Jabi, we are doing concept by concept. So at least एक click होता है कि यार you know what, ये concept थोड़ा time consuming है और ये question इसके ऊपर based है, तो मैं ये question नहीं करूँगा. That's number one. Number two, books में concept के ऊपर questions दिए गए हैं. So you have a concept, उसका फॉर्मूला, उसका kind of a shortcut, उसका explanation, and उसी concept के ऊपर आपको questions दिए गए हैं, because of which आप questions के साथ familiar होते हो, plus आपको level of difficulty भी पता चलता है, right? That is number one. Number two, हमारे books में हमने कुछ-कुछ shortcuts भी दिए हैं, कुछ-कुछ हमने strategies भी दी है, but trust me, अगर आप books भी ठीक-ठाक से कर लेते हो ना, you should be able to cross 100 for sure, because जो भी CET में आता है, वो उस सब books में clear cut लिखा गया है। दूसरी बात, if you really want to kind of you know jump the ladder up and improve your score, जहाँ पे आप LOD के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, then you can buy my online program, which is a shortcut program. We're selling it at 3,000. इसमें you will get all the sets, like everything, like DI, LR, visual, everything. Is critical listening is also included there. इस वीक में critical listening की वीडियोस डालने वाला हूँ पूरे के पूरे. So critical listening is something that you can really crack within rather less than 1 minute. मैंने इसी वीक वर्कशॉप करा था पुणे में और मुंबई में. लेस देन 1 मिनट यू कैन क्रैक द एंटायर क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन, मतलब 1 क्वेश्चन नॉट 15 क्वेश्चन. सो या दैट इज आल्सो देयर इन माय वीडियोस. बेसिकली आई टॉक अबाउट एवरी क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन आया तो इसको उठाना है कि छोड़ना है, ये क्वेश्चन कौन से कंडीशन में करना है, ये क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी कितना बढ़ सकता है, कितना ये क्वेश्चन इजी हो सकता है. सो दैट गिव्स यू लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हां यार ये मॉक में नहीं करना है या फिर ये डीडे पे नहीं करना है. So the videos, the way we have framed it, the way I have made all those videos, they are going to be really, really score booster for you, for your mocks and for your D-Day also. So guys, if you want to join my online workshop, you can do that. The link is given in the description. You can also buy our mocks. You can also buy our, physical books. We will be curing it to you at your doorstep. So if books buy kar sakte ho. But yes, 1 minute strategy can help you a lot. You can do me a favor. आप 3 से 4 marks दे दो अगर आपको score improve होता है. You can definitely put the comment on this video. If you are my student, if you have tried it out, if it's not working, I am gonna speak to you 1-to-1. If it works, do let me know your improvement. So guys, that's it from my side. Stay tuned to my channel and thank you so much for watching this video. Thank you.